WH 1142 नंबर किस्म ये निकाली हुई है। तो ये अक्टूबर के आखिरी सप्ताह और नवंबर के पहले सप्ताह तक बिजाई करोगे। 40 किलोग्राम बीज डालना है, एक बैग DAP का देना है, 1.25 बैग यूरिया ऊपर से, 10 किलो जिंक सल्फेट नीचे। 48-50 मन से लेके 60-62 मन तक निकल जाती है, गंगानगर में 62 मन तक निकली है। तो जो किसान भाइयों के पास पानी कम है तो 1142 की बिजाई करें और इसके अंदर दो ही पानी देने हैं, एक 22 दिन में फुटाव होते समय, दूसरा बालियां निकलते समय, 80-85 ठीक है। अब आ गया तीसरा ग्रुप हमारा जिसके अंदर समय की बिजाई, समय की बिजाई का मतलब 1 नवंबर से लेके 15-20 नवंबर तक, उसके लिए हमने किस्में निकाली नहीं है। अब जा उसके लिए है WH 1105 नंबर, एक किस्म है हमारी WH 1105 है, WH 1184 है, DBW 221 है, DBW 222 है और आपकी जो HD 3226 है। तो ये 4-5 किस्में हैं, HD 3086 है। ये समय की बिजाई पे करके आप अच्छी पैदावार ले सकते हो। समय की बिजाई का मतलब 1 नवंबर से 15-20 नवंबर तक, 1 बैग DAP, 10 किलो जिंक सल्फेट, 2 से 2.5 बैग यूरिया डालने, आपने 5 पानी देने हैं। इसके इससे आपकी पैदावार जो है 60-70 मन से लेके 70-75 मन तक की आपकी निकल जाती है, यानी 24-25 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से पैदावार देते हैं इसमें ही। और कुछ किसान भाई कहते हैं कि हमारे पास तो पानी भी पूरा है, ज़मीन भी उपजाऊ है, समय पर बिजाई कर सकते हैं, देसी खाद भी हम डाल सकते हैं। उन किसान भाइयों के लिए हमने दो किस्में, एक किस्म निकाली है 2021 के अंदर WH 1270 नंबर किस्म। ये 1270 नंबर किस्म है, इसको अक्टूबर के आखिरी सप्ताह में आप बिजाई करो। आपने 1 कट्टा DAP के बजाय 1.5 बैग DAP डालना है और आधा पौना 1 बैग यूरिया नीचे बिजाई के टाइम देना है, 2.5 बैग यूरिया पहले और दूसरे पानी में देनी है, और 15 टन प्रति हेक्टेयर गोबर की खाद, मतलब 6 टन के आसपास गोबर की खाद प्रति एकड़ में नीचे डालकर बिजाई कर दोगे तो इसकी पैदावार आप भरपूर ले सकते हो। कितनी पैदावार ले सकते हो, औसत पैदावार है 70-75। ये सारी किस्में एक साथ ही निकली हुई है, ज़्यादा खाद पानी के लिए निकली है, लेकिन थोड़ा सा DBW 188 और ज़्यादा बढ़ती है तो गिरने की थोड़ी संभावना है उसमें। और 1270 पिछली बार हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय ने 700-800 क्विंटल बीज दिया था, इसका फुटाव बहुत ज़्यादा है, इसके फुटाव ज़्यादा होने से इसकी पैदावार जो है आपका 25-30 किलो ही, कई जमींदारों ने तो बोया था, सारा खेत भर गया था। तो 40 किलोग्राम बीज ही डालोगे तो बहुत बढ़िया पैदावार देती है, बालियाँ लंबी है और अच्छे दाने आते हैं इसमें। तो 303 और 1270 दोनों कंपेरेबल हैं, एक साथ निकली हुई है, किसी के खेत में कोई 2-4 मण 1270 ज़्यादा हो सकती है, किसी में 303 भी हो सकती है, लेकिन ज़मीन के ऊपर सूट करने पे है ये कौन सी ज़मीन में कौन सी करती है, लेकिन ज़्यादा पैदावार लेने के लिए दोनों की बहुत अच्छी किस्म है। एक जो DBW 303 में इसकी जो झंडा पत्ता होता है ये काफ़ी जैसे इसकी पोरली टाइप बन जाती है, तो इसका वैरायटी का कैरेक्टर या फिर इसमें कुछ समस्या टेम्परेचर वगैरह की क्या है? कि कई बार जो है बालियां निकलते समय ऊपर झंडा पत्ता है वो बिल्कुल रोल हो जाता है और रोल होके तीखा सुई की तरह हो जाता है, वो कई बार मैंगनीज की डेफिशिएंसी होती है जिसकी वजह से झंडा पत्ता बाल को निकलने नहीं देता, हो चाहे किस्म कोई भी हो। तो उसके लिए हमें मैंगनीज सल्फेट की जब स्प्रे बताते हैं हम, 500 ग्राम मैंगनीज सल्फेट 100 लीटर पानी में मिला के स्प्रे करोगे तो ये बालियाँ आसानी से निकल जाती है, कोई दिक्कत नहीं आती। बीज की मात्रा 40 किलो ही रहेगी? 40 किलोग्राम आपको 20 नवंबर तक जो भी बिजाई करते हैं उनको सबको 40 किलोग्राम बीज डालना है। 20 नवंबर के बाद जो अगर कोई बिजाई करता है तो उसको 50 किलोग्राम 10 दिसंबर यूरिया जो है 1270 के अंदर यूरिया खाद जो है 1 कट्टा तो बिजाई के समय नीचे डालो, 2-2.5 कट्टे ऊपर से डालने पहले और दूसरे पानी के अंदर, लेकिन ग्रोथ रेगुलेटर यानी वृद्धि नियंत्रकों की आपने स्प्रे करनी है। स्प्रे कितने डालनी है? स्प्रे जो करनी है वो 50-55 दिन पे स्प्रे करनी है और एक करनी 80-85 दिन पे, जिसके अंदर 400 मिलीलीटर जो है क्लोरमिकार्ट दवाई आती है जो लियोसिन के नाम से आती है, और एक होलिकर है 200 मिलीलीटर, दोनों को मिला के टैंक मिक्स करके आप सब 400 डीपी जो नॉर्मल 1 बैग DAP का डालते हैं तो इनमें 1.5 बैग डाल रहे हैं। सर जी 100 किलो नहीं होती है ना, इतनी हाइट है। हाँ जी मेरा खेत में किसान भाई सर एक सर डॉक्टर बिश्नोई जी हमारे साथ हैं, ये गेहूं के बारे में जानकारी रखते हैं, काफ़ी ज़्यादा किस्में इन्होंने विकसित की हैं, तो इनसे जो एक मेन पॉइंट इस समय पर सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है कि फरवरी में ही बहुत ज़्यादा धूप पड़नी स्टार्ट हो गई थी, गर्मी काफ़ी ज़्यादा है मार्च में भी,
तो ऐसी कंडीशन में गेहूं का दाना सिकुड़ने की समस्या आती है। तो गेहूं का दाना जो छोटा रह जाता है उस कंडीशन से गर्मी से गेहूं को कैसे बचाएं, इसके ऊपर थोड़ी फार्मर को जानकारी दीजिए। किसानों के लिए हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय ने अपनी एडवाइजरी जो सलाह है वो जारी करी है। जब तक दिन का तापमान 35 डिग्री तक नहीं पहुंचता और रात का तापमान 15 डिग्री से ऊपर नहीं जाता तब तक किसानों को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। एवरेज टेम्परेचर जो है 24-25 डिग्री तक जो है सहन कर जाता है। अगर उससे ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ता है तो उसके लिए किसानों को सलाह दी जाती है कि हल्की सिंचाई करें। हल्की सिंचाई का मतलब आपको पूरा ठोक ब्रांड दिखाओ। हाँ दिखा दिए इसका ऐसे। अरे भाई साइड हो जाओ।